नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल स्किल्स पर। मैं नरेश गोस्वामी आज आपके सामने लेकर आया हूं अपना नया YouTube वीडियो जो डिस्क्रिप्शन एंड यूजेज ऑफ कारपेंटर हैंड टूल्स पर आधारित है। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा और आप मेरे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करते हैं। अपना आज का जो टॉपिक है डिस्क्रिप्शन एंड यूजेज ऑफ कारपेंटर हैंड टूल्स, ये होता क्या है बच्चों, जो एक कारपेंटर वर्कशॉप है और जो एक कारपेंटर है जो टूल्स का यूज करता है उनके बारे में आपको बताएंगे। अलग अलग वेरियस टाइप्स के टूल हैं जो एक कारपेंटर शॉप में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले होता है सा। सा क्या होती है? सा बच्चों एक आरी होती है जिसके ऊपर एक ब्लेड लगा होता है और एक हैंडल लगा होता है। और काम क्या है इसका, होती क्या है, ये एक आरी होती है। इसका क्या काम है, ये लकड़ियों को काटने के काम आती है। और इसको एक तो हैंडल लगा होता है, इसके हैंडल होता है और एक ब्लेड होता है। जो ब्लेड है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है और जो हैंडल है वो लकड़ी का बना होता है, वुड बोलते हैं इसको, लकड़ी का बना हुआ होता है। और ये अलग अलग टाइप्स की होती है, इसके अलग अलग टाइप्स हैं। सा होती है जो रिप सा होगी, जैसे क्रॉस कट सा होगी, हैंड सा होगी, टेनन सा होगी, डॉवटेल सा होगी, की होल सा होगी, इस तरह से अलग अलग सा आती है। अकॉर्डिंग टू शेप कंपास सा होगी, वो अलग अलग जो उनकी साइज शेप है उसके हिसाब से उनको नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट जो अपना टूल्स है वो होता है चीजल। चीजल होती है छेनी, छेनी बोलते हैं इसको। क्या करते हैं इसको, छीलने के, जो लकड़ी है उसको थिकनेस को कम करने के छीलने के काम आती है। हाई कार्बन स्टील की ये बनी होती है। इसका जो आगे कटिंग एज होता है और क्या नाम है, जो लकड़ी है उसकी जो थिकनेस है उसको कम करने के काम ये आती है। फिर मर्चीजल होगी, बेवल एज चीजल होगी, चॉपिंग चीजल होगी, और फिर मर्चीजल होगी, पेयरिंग चीजल होगी और मोर्टाइज चीजल होगी। इस तरह से इसके अलग अलग टाइप है। नेक्स्ट है अपना गोजिस। गोजिस क्या होता है, चोरसी बोलते हैं इसको, जो कारपेंटर की जो लैंग्वेज है उसमें इसको चोरसी बोलते हैं। चोरसी की क्या होती है, गोल धार होती है इसकी, गोल दोराई धार होती है, एक की अंदर की तरफ होती है गोल धार, एक की बाहर की तरफ धार होती है। जो बाहर से तेज धार होती है उसको बोलते हैं, जो जिसकी बाहर से तेज धार होती है उसको बोलते हैं फिर्मर चीजल, फिर्मर गोजिस, फिर्मर गोजिस बोलते हैं। और जिसकी धार अंदर की तरफ, अंदर से तेज धार जो होती है उसको बोलते हैं स्क्राइबिंग, स्क्राइबिंग गोजिस। ये है गोजिस। उसके बाद है नेक्स्ट है जो अपना वो होता है प्लेन। प्लेन क्या होता है, जो लकड़ी होती है उसकी जो सतह है उसको प्लेन करने के काम आता है। अलग अलग तरह के होते हैं ये प्लेन। क्या होता है, रंदा बोलते हैं इसको हिंदी में। और जो लकड़ी की सतह होती है उसको प्लेन करने के काम आता है। जैक प्लेन हो गया, जैसे जैक प्लेन, इसमें एक इसकी बॉडी होती है, ब्लेड होता है, वेज होता है, ये इसके पार्ट्स हैं। जो एक प्लेन है उसके पार्ट्स होते हैं। और आयरन प्लेट होगी, आयरन प्लेट होगी 45 डिग्री पर ये इसके अंदर फिट की जाती है। प्लेन अलग अलग टाइप्स के प्लेन होते हैं, स्मूथिंग प्लेन है, मेटल जैक प्लेन है। स्मूथिंग प्लेन होता है जो जैक प्लेन के बाद जो लकड़ी का समतल है, सरफेस है, उसको प्लेन करने के काम आता है। उसके बाद है गिरमिट। गिरमिट क्या होता है, ये होल है जो लकड़ी के अंदर कोई भी होल है उसके बनाने के काम आता है। टू मेक ए होल इन वुड, इसका क्या काम है, जो लकड़ी है उसके अंदर सुराख करने के काम आता है। और ये 10 mm से लेकर 50 mm तक के होल ये कर सकता है, 10 mm से लेके 50 mm डाया तक के होल ये कर सकता है, जो गिरमिट होता है। उसके बाद है हैंड ड्रिल मशीन। हैंड ड्रिल मशीन जो
ड्रिल मशीन है वो भी एक सुराख करने काम आती है, लेकिन ये क्या होती है, मैनुअल ऑपरेट होती है, हाथ से चलाई जाती है। इसके एक तरफ हैंड लगा होता है आगे, वो क्या नाम है, हैंड ड्रिल के जो फ्लूट होते हैं वो फिट किए जाते हैं और हाथ से ऑपरेट करके इससे हम सुराख कर सकते हैं। उसके आगे है जो क्या नाम है, क्ला हैमर, जो लकड़ी के अंदर सुराख की लेन डाली ठोकी जाती हैं उनको क्ला हैमर से निकालते हैं। इसके अंदर वेज बनी होती है एक बीच में और एक तरफ पैन होता है। बाल हैमर, बाल पैन और स्ट्रेट पैन है जो क्रॉस पैन है वो कील ठोकने के काम आते हैं या चोट मारने के काम आते हैं, और जो क्ला हैमर है लकड़ी के अंदर जो कील रह जाती हैं उनको बाहर निकालने के लिए क्ला हैमर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कारपेंटर वाइस, जो कारपेंटर शॉप में जो वाइस होती है उसको कारपेंटर वाइस बोलते हैं। वर्क बेंच के ऊपर ये फिट की जाती है, एक जो इसका फिक्स होता है और दूसरा मूवेबल होता है, स्क्रू जो स्पिंडल है उससे मूव करता है। नेक्स्ट है जो सेस बार क्लैंप, सेस बार क्लैंप क्या होता है, ये होता है शिकंजा, शिकंजा मतलब किसी भी लकड़ी के जॉब को या तख्ते को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, शिकंजे का। MS का माइल्ड स्टील का ये बना होता है, साइज इसका 50 से 150 सेंटीमीटर तक इसका साइज होता है। नेक्स्ट है सी क्लैंप, सी क्लैंप क्या होता है, सी लेटर है जो इंग्लिश का लेटर सी है उसकी आकार का एक ये क्लैंप होता है। इसका भी काम क्या होता है, लकड़ी को या पकड़ने के काम आता है, लकड़ी होती है जो उसको क्लैंप करने के काम आता है। सी लेटर है जो उसकी तरह का बना होता है, जो इसकी बॉडी है कास्ट आयरन की बनी होती है और जो स्पिंडल है MS का बना होता है, कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील के ये बनी होती है बॉडी और स्पिंडल है जो इसका। नेक्स्ट है जो वो होता है पिंसर, पिंसर इसको जंबूर भी बोलते हैं, जंबूर, जंबूर मतलब ये क्या करता है, एक तो जो कील ठोकते टाइम कील को पकड़ लेते हैं उनको टेढ़ा नहीं होने देता, और दूसरा इसका क्या काम है, जो कील अंदर रह जाती है उनको बाहर निकालने का ये काम करता है। नेक्स्ट है जो स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर होता है पेचकस, पेचकस पेचकस मतलब जो स्क्रू है उनको टाइट करने के लूज करने के काम आता है ये। नेक्स्ट है जो अपना वो है मार्किंग गेज, जैसे इसका नाम है बच्चों मार्किंग गेज, मार्क करने के काम आता है, पैरेलल लाइन लगाने के काम आता है ये, और जो इसका एक साइड है वो स्क्वेयर होता है और दूसरा है जो उसकी लेंथ इसके अंदर फिक्स होती है, जो लेंथ है उसके ऊपर कील लगी होती है जिनको पॉइंटर बोलते हैं, जिसके द्वारा हम इससे लाइन ड्रा कर सकते हैं। दूसरा है मीटर स्क्वेयर, मीटर स्क्वेयर क्या होता है, स्टील का बना वो होता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट करने के काम आता है, इसके द्वारा हम 45 डिग्री से 135 डिग्री तक के कोण को माप सकते हैं, 45 डिग्री से 135 डिग्री एंगल तक हम इससे माप सकते हैं। नेक्स्ट है जो आगे वो है रेस्प फाइल, रेस्प फाइल मतलब रेती, रेती होती है जो फाइल ये घिसाने के काम आती है, लकड़ी को घिसाई के काम आती है, तिकोने इसके ऊपर थ्रेड्स बने होते हैं, दांते बने होते हैं, लकड़ी को घिसाने के काम आते हैं। नेक्स्ट है जो अपना वो होता है बेवल स्क्वेयर, होता तो ये मीटर स्क्वेयर की तरह है लेकिन जो इसका हैंडल और वो होता है क्या नाम है, फिक्स स्टोक, स्टोक और ब्लेड होता है इसके अंदर, स्टोक और ब्लेड है, स्टोक और ब्लेड है, ये मूवेबल होता है, इसके अंदर एक जीरी बनी होती है जो इसको हम किसी भी एंगल पे फिक्स कर सकते हैं, और इसका जो काम है वो क्या है, एंगल मेजरमेंट के काम आता है ये, और मूवेबल होता है इसीलिए इसके हम एंगल है किसी भी एंगल पे हम फिक्स करके इसके जो एंगल है वो मेजर कर सकते हैं। ये थे बच्चे अपने जो मेनली हैंड टूल्स हैं कारपेंटर के, वो आपको बताया गया डिस्क्रिप्शन, उनका यूजेस कैसे करते हैं और इनके तो कैसी लगी आपको आज का ये जो अपना टॉपिक था कारपेंटर हैंड टूल्स पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मैं आशा करता हूँ आपको मेरी जो वीडियो है पसंद आई होगी, आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और जो मेरा यूट्यूब चैनल है प्रोफेशनल स्किल्स उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल नोटिफिकेशन है के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरी अपडेट है आने वाली वीडियो की वो आपको मिलती रहे।